हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था अपना टॉपिक प्लूरल इफ्यूजन, और प्लूरल इफ्यूजन के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था। उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने पूरी जानी थी कि प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या उसके कॉज होते हैं, और वो कॉज किस तरीके से प्लूरल इफ्यूजन को क्रिएट करते हैं, मतलब किस तरीके से प्लूरल इफ्यूजन होता है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने जान लिया था। मेरी अपेक्षा है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी पूरी। तो अगर आपने वो वीडियो पूरी देख ली है तो उसके बाद आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि जो प्लूरल इफ्यूजन है, हमने प्लूरल इफ्यूजन पढ़ तो लिया, लेकिन हम अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ उसको प्लूरल इफ्यूजन ही हुआ है। ठीक है, देखिए होता क्या है, प्लूरल इफ्यूजन में साइन एंड सिम्टम क्या मिलते हैं। पेशेंट आएगा, उसको डिस्निया होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो चेस्ट पेन लेके आपके पास आ सकता है, ये सब चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या टेस्ट उसको एडवाइस करेंगे उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे तीन स्टेप बताए हैं। इसमें ये मैंने जो चार्ट लिया है और जो स्टेप्स लिए हैं पूरा, ये लिया गया है हैरिसन से। ठीक है, हैरिसन बुक ऑफ मेडिसिन से। तो इसमें तीन स्टेप इसमें बताए गए हैं। ठीक है, किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीज करनी है। तो पहला स्टेप है हमारा, ठीक है, हमें डाउट है कि पेशेंट को हमने अस्कल्टेट करके देखा कि हाँ जी लंग में जो एयर एंट्री है वो कम है हमने, ठीक है, और हमने पालपेट करके देखा, परकशन करके देखा, और हमें अगर डाउट हुआ, ऐसा लगा कि हाँ भाई पेशेंट को हो सकता है कि प्लूरल इफ्यूजन है, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होता है स्टेप वन में, वो है हमारा थोरेसिक यूएसजी। तो अल्ट्रासाउंड भी एक क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है प्लूरल इफ्यूजन के लिए। हम उसे एडवाइस कर सकते हैं कि वो अपना यूएसजी कराए। तो यूएसजी सबसे बेस्ट रहेगा इसमें। सेकंड है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक्सरे कराए अपना। एक्सरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेटरल व्यू हो सकता है। तो एक्सरे जो लेटरल व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है किसके मुकाबले, एक्सरे पीए व्यू। एक तो हम आगे से देख रहे हैं, ये हो गया हमारा पीए व्यू, और एक हम साइड से देख रहे हैं, ये होता है हमारा लेटरल व्यू। तो लेटरल व्यू में अगर हमारी प्लूरा के अंदर 70 से 75 ml फ्लूइड भी होगा तो हमें लेटरल व्यू से वो क्लियर हो जाता है। किस तरीके से क्लियर होता है, जो उसका कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल होता है, एक्सरे में आपको एक कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल दिखाई देता है, उसे सीपी एंगल बोलते हैं हम। जैसे कि पिक्चर मैं एक डाल देता हूँ, वो दिखाई दे रही होगी आपको। इसमें जो है पहला तो है एक कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल है, दूसरा है अगर उस कॉस्ट्रोफ्रेनिक अगर जब फ्लूइड प्लूरा में भरने लगता है तो वो जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है ना शार्प, इस तरीके से एक शार्प एक्सरे में आप देखेंगे शार्प एंगल आता है, इसे बोलते हैं कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल। तो अगर फ्लूइड भरना शुरू होगा तो कहाँ से शुरू होगा, स्कॉर्नर से स्टार्ट होगा क्योंकि सबसे नीचे है, तो फ्लूइड यहाँ से भरना स्टार्ट होता है हमारा। तो साइड व्यू में ये सबसे अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आप लेटरल व्यू लेंगे किसका, चेस्ट एक्सरे का, तो उसमें अगर 70 से 75 ml भी फ्लूइड होगा तो वो उसको क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद है दूसरा, वो है हमारा चेस्ट एक्सरे, वो पीए व्यू। तो पीए व्यू थोड़ा सा इसकी एक्यूरेसी कम होती है, तो ये 155 से 175 ml, अगर 150 से 175 ml फ्लूइड है या उससे ज्यादा है तब ये उसको एक्सरे में हम देख के डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लूइड 50 ml हुआ, 70 ml हुआ, तो पीए व्यू से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप लेटरल व्यू ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा 75 से 70 ml के लिए, अगर फ्लूइड इतना होगा तो। और यूएसजी, थोरेसिक यूएसजी सबसे बेस्ट रहेगा। सीटी स्कैन भी कराते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहता है। तो ये हमारा स्टेप वन हो गया। ठीक है, पेशेंट आया, पेशेंट ने अपनी तकलीफ बताई, हमें डाउट हुआ कि प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, हमने स्टेप वन फॉलो किया। मान लीजिए मैंने चेस्ट एक्सरे लेटरल व्यू उसका करा लिया, अब मुझे सीपी एंगल जो है कॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल ब्लंट दिखाई दिया, तो मुझे पता लग गया कि हाँ भाई इसको प्लूरल इफ्यूजन है। अब प्लूरल इफ्यूजन तो मुझे पता लग गया, अब एक्सरे में ये तो पता लगेगा नहीं कि भाई प्लूरल इफ्यूजन है तो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन है या ट्रांसुडेटिव है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक एक्सुडेटिव होता है, एक ट्रांसुडेटिव होता है। ट्रांसुडेटिव क्या होता है, जो क्लियर फ्लूइड होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और एक्सुडेटिव में प्रोटीन ज्यादा होता है। मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया था। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो हो गया। इसमें हमें अगर इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो प्लूरल इफ्यूजन है, तो हम स्टेप टू में जाएंगे नहीं। अगर हमें इसमें कोई भी टेस्ट कराया और उसमें हमें पता लगा कि हाँ भाई दिख रहा है एक्सरे के अंदर कि हाँ
सीपी एंगल ब्लंट हो चुका है, ठीक है, फ्लूड है उसके अंदर, हमें साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम सेकंड स्टेप में जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारा, वो है लाइट्स क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो फ्लूड है वो एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है, ठीक है, एक्सुडेट है या ट्रांसुडेट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे पहले, इसके लिए हमें एक्सरे में पता लग गया, इसके लिए हम करते हैं थोरोसेंटेसिस। थोरेकोसेंटेसिस क्या होता है, हमारा जो ये फ्लूइड है इसके अंदर फ्लूइड भर के लंग के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम नीडल लेते हैं, ठीक है, सिरिंज लेंगे, उसकी सहायता से उसको हम इस तरीके से यहाँ पे लंग को पंचर करके, ठीक है, हम पंचर करके सिरिंज की मदद से उस फ्लूइड को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड को मैं क्या करूंगा, निकाल लूंगा, मैंने फ्लूइड मान लीजिए निकाल लिया इसमें से, और ये जो प्रोसीजर होता है जो हम फ्लूइड को प्लूरा से निकालते हैं इसे बोलते हैं थोरेकोसेंटेसिस, ठीक है, थोरेकोसेंटेसिस को हम बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड मैंने इसको निकाल लिया, अब ये जो फ्लूइड निकाला है हमने, प्लूरल फ्लूइड निकाला है, इसकी हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं के लिए भेज देते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड मैंने निकाला, अब इसका टेस्ट होगा। और ये हमने फ्लूइड का पहले तो हमें पता लगा ना भाई, हमने एक्सरे कराया, एक्सरे में पता लग गया कि हाँ प्लूरल इफ्यूजन है, फिर हमने लोकेशन देखी किस लोकेशन पे क्या है, उस तरीके से यूएसजी गाइडेड हमने ये फ्लूइड को निकाल लिया। अब इस फ्लूइड को हम क्या भेजेंगे, टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। और हम टेस्ट कौन कौन से कराते हैं, एक तो प्लूरल फ्लूइड जो है उसका हम प्रोटीन लेवल चेक करते हैं कि इस फ्लूइड के अंदर कितना प्रोटीन है। दूसरा हम करते हैं, एक होता है सीरम एलडीएच, सीरम एलडीएच लेवल होते हैं। सीरम एलडीएच क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है एक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, उसके हम क्या कराते हैं, जांच कराते हैं, ठीक है। तो एलडीएच का लेवल कब बढ़ता है, नॉर्मली बॉडी में भी थोड़ा बहुत एलडीएच रहता ही है, लेकिन इसका लेवल हाई कब मिलेगा, जब हमारी बॉडी की जो सेल्स होंगी वो अगर डैमेज होती है तो उसका लेवल बढ़ने लग जाता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी की सेल है, जैसे हार्ट है, लीवर है, इन सब में क्या होती है, वो एलडीएच होता है, और अगर सेल डैमेज होगी तो एलडीएच क्या होगा, रिलीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, या अगर यहाँ पे कुछ डैमेज हो रहा होगा, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन होगा या फिर यहाँ कोई मेलेग्नेंसी होगी, कैंसर होगा, और सेल डैमेज हो रही होगी, तो इस एरिया में या इस फ्लूइड के अंदर क्या होगा, हमारा सीरम एलडीएच लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला है प्रोटीन, दूसरा है हमारा, पहला तो हम क्या करेंगे, प्लूरल फ्लूइड का प्रोटीन लेवल देखेंगे, और ये है हमारा एलडीएच लेवल। तो अगर प्लूरल फ्लूइड में, मैंने आपको बताया था, अगर प्लूरल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा किसमें ज्यादा होती है, किसमें ज्यादा होती है, एक्सुडेट में। तो अगर इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो इसको हम क्या बोल, ये किसमें आएगा, फिर हमारा एक्सुडेट में आएगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे लिया प्लूरल फ्लूइड का प्रोटीन और सीरम प्रोटीन, यानी कि ब्लड में कितना प्रोटीन है और इस प्लूरल फ्लूइड में कितना प्रोटीन है। तो अगर इसका अमाउंट ग्रेटर देन 0.5 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सुडेट है। ये तीन जो मैंने चीज बताई है ना, इन तीनों में से अगर एक भी चीज पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सुडेट है। और दूसरा है हमारा सीरम एलडीएच और प्लूरल फ्लूइड एलडीएच और सीरम एलडीएच, अगर ये 0.6 से ज्यादा हुआ इनका रेशियो तो क्या है, हमारा एक्सुडेट है। तीसरा है हमारा प्लूरल फ्लूइड एलडीएच 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ सीरम एलडीएच, जो बॉडी के अंदर नॉर्मल सीरम एलडीएच होता है, अगर प्लूरल फ्लूइड में वो एलडीएच लेवल उसकी अपर लिमिट से 2/3 ज्यादा होगा तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल इफ्यूजन था, एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, एक्सुडेट है वो जो फ्लूइड है, कौन सा होगा, एक्सुडेट हो, क्या होगा, एक्सुडेट होगा। तो हमने पहले ये कराया, फिर सेकंड उस पर चले गए। मान लीजिए इसमें से भी एक क्राइटेरिया फॉलो हो गया, मान लीजिए प्रोटीन लेवल ज्यादा निकला तो हमें पता लग गया कि ये एक्सुडेट है। अब जब हमें ये पता लग गया कि एक्सुडेट है, तो एक्सुडेट होने का कारण भी बहुत हो सकते हैं भाई। मैंने आपको बताया था एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के क्या क्या कॉज थे, एक तो हो सकता है मैलिग्नेंसी हो, कैंसर की वजह से हो सकता है, या निमोनिया की वजह से हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन अगर होगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगी,
उसमें क्या हो सकता है, हमारा एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है। अब एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन क्यों हुआ है, इसका रीजन जानने के लिए हम आगे स्टेप थ्री में जाएंगे। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, जो प्लूरल फ्लूड है उसका मेजर करेंगे प्लूरल फ्लूड ग्लूकोज लेवल। इसमें प्लूरल फ्लूड में ग्लूकोज कितना है, इसके हम क्या है प्लूरल फ्लूड की साइटोलॉजी कराएंगे, ठीक है। प्लूरल फ्लूड के हम डीएलसी कराएंगे, डिफरेंशियल ग्लूकोसाइड काउंट कराएंगे, ठीक है। प्लूरल फ्लूड के लिए टीवी का मार्ग है, टीवी की वजह से मैंने आपको बताया था एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो हम टीवी के लिए भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। स्टेनिंग वगैरह उसकी करेंगे, जो भी है या आगे के जो भी टीवी के टेस्ट होते हैं सीवी नेट वगैरह वो करेंगे, ये सब स्टेप इसको फॉलो करेंगे। अगर टीवी के लिए मार्कर पॉजिटिव आता है तो टीवी का इलाज करेंगे, अगर इसमें प्लूरल फ्लूड का ग्लूकोज लेवल 60 mg पर डीएल से कम आता है, इसका मतलब क्या है, वहाँ कोई इन्फेक्शन है या मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है। और साइटोलॉजी में पता लग जाएगा कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो ये मैंने आपको तीन स्टेप बता दिए। इसके लिए अब हमने क्या है, एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे पूरा, किस तरीके से हमें फॉलो करना है। इस चार्ट को आप देखेंगे, मैं बता देता हूँ किस तरीके से फॉलो करना है। पेशेंट आया, उसको प्लूरल इफ्यूजन क्लियर है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन का हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्म डायग्नोस्टिक थोरोसेंटेसिस। थोरोसेंटेसिस मैंने आपको बताया, इसमें से हम फ्लूइड को निकाल लिया, मुझे पता लगा प्लूरल इफ्यूजन है, पेशेंट को एक्सरे देख के या यूएसजी कराया मैंने, फिर मैंने जब उस फ्लूइड को निकाला। अब उस फ्लूइड का हम क्या करेंगे, इन तीन स्टेप मैंने आपको लाइट्स क्राइटेरिया बताया था फॉलो करना है। अगर प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन, यहाँ पे हम प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन रखेंगे, फिर सीरम में कितना प्रोटीन है उसको रखेंगे, डिवाइड करेंगे जैसे उसको, तो अगर वो उसका रेशियो 0.5 से ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, एक्सुडेटिव है जो फ्लूइड है, पहला ये हो गया। दूसरा हो सकता है हम क्या करेंगे, प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच लेवल कितना है और सीरम एलडीएच लेवल कितना है। भाई अगर बॉडी में सीरम एलडीएच से ज्यादा प्लूरल फ्लूइड में एलडीएच है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कोई सेल का डैमेज हो रहा है, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में तो एलडीएच बढ़ेगा हमारा। तो अगर इसका लेवल क्या है 0.6 से ज्यादा हुआ, ये रेशियो जो है, तब भी क्या है ये एक्सुडेटिव होगा, ठीक है। तीसरा क्या था हमारा, प्लूरल फ्लूइड का जो एलडीएच लेवल है वो अपर लिमिट ऑफ सीरम एलडीएच से अगर 2/3 ज्यादा है, तब भी क्या है ये हमारा एक्सुडेटिव प्लूरल फ्यूजन। देखिए मैंने तीनों बता दिया, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज एक है, कोई भी पॉजिटिव आता है, मान लीजिए पॉजिटिव आया, यस ये पॉजिटिव आ गया, तो अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है ये एक्सुडेट है, समझ गए आप। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सुडेट है। अब आगे एक्सुडेट है तो किस वजह से है, वो किस डिजीज की वजह से, उसके लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे उस फ्लूड के अंदर, हम साइटोलॉजी कराएंगे, हम डीएलसी काउंट करेंगे और हम टीबी के लिए मार्कर टेस्ट करेंगे कि टीबी तो पॉजिटिव नहीं है। अगर इन सब में से ग्लूकोज लेवल पॉजिटिव आया और ग्लूकोज लेवल कितना आ रहा है हमारा, लेस देन 60 mg पर डीएल। देखिए जो ग्लूकोज होता है, अगर कोई यहाँ पे अगर इन्फेक्शन होगा तो जो बॉडी के अंदर जितना ग्लूकोज होगा, ब्लड के अंदर जितना ग्लूकोज होगा, उतना ही ग्लूकोज का लेवल इसमें भी होता है। लेकिन अगर वहां कोई क्या होगा, क्योंकि ये प्लाज्मा से ही तो लीक होके आ रहा है, ब्लड से तो लीक होके बनता है, फ्लूइड वहां से लीक करके अंदर आता है, तो अगर यहाँ कोई बैक्टीरिया होगा तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस ग्लूकोज को यूज कर लेगा, तो उस ग्लूकोज को यूज करेगा तो उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। हमारे में नॉर्मली कितना होता है, 80-100 mg/dL नॉर्मली होते ही है वैसे, ठीक है। फास्टिंग में भी 80-100 रहता ही है हमारा ग्लूकोज लेवल। अगर वो 60 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन हुआ है या कोई बैक्टीरिया मौजूद है जो कि उस ग्लूकोज को यूज कर रहा है। तो और यहाँ हो सकता है कोई कैंसरस सेल हो, तो हम क्या करेंगे, अगर इससे कम आ रहा है इसका लेवल, तो हम क्या करेंगे, मैलिग्नेंसी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में सोचेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी की वजह से या कैंसर की वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर इन सब में से कुछ भी चीज पॉजिटिव नहीं आई तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में सोचेंगे। मैंने आपको बताया था कि एम्बोलिज्म की वजह से भी प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिटी स्कैन वगैरह करा सकते हैं, ठीक है, लंग स्कैन जो भी होता है वो कराते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं। अगर वो पॉजिटिव आता है कि हाँ भाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हो गया। अगर हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का भी कोई साइन नहीं मिल रहा है, भाई पता नहीं लग रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे।
फिर हम टीबी के लिए जो और मार्कर्स होते हैं उनकी जांच करेंगे। तो उन मार्कर की जांच अगर करेंगे, अगर उसमें सिर्फ कुछ चीज पॉजिटिव आती है, जैसे यस है, हाँ पॉजिटिव, तो ट्रीटमेंट करेंगे। अगर यहाँ भी कुछ पॉजिटिव आता है तो इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। अब मान लीजिए ये भी हमारा अगर पॉजिटिव नहीं आया, तब हम आगे बढ़ेंगे। तब हम क्या करेंगे, देखेंगे पेशेंट को कुछ दिन के लिए ऑब्जर्व करके, अगर उसके अंदर सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आ रहा है तब तो हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखते रहेंगे अब अगर सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि कई बार वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी ड्यूरल इफ्यूजन हो जाता है या फंगल इन्फेक्शन के वजह से भी। लेकिन अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं हम तब भी सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आगे का हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, प्लूरल बायोप्सी करते हैं। प्लूरल बायोप्सी क्या होता है, हम अंदर से क्या करेंगे, यहाँ से एक टिश्यू का टुकड़ा काट के बाहर निकालेंगे इसको कट करके, और फिर उस टिश्यू की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो आखिरी सबसे लास्ट हमारा क्या होता है, अगर कुछ हम डायग्नोसिस नहीं बन रही है तो हम प्लूरल बायोप्सी करते हैं इसके, ठीक है। अगर ये इन तीनों में से पॉजिटिव नहीं आया कोई भी, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसुडेट है। और ट्रांसुडेट का कारण मैंने आपको बताया था, हार्ट फेलियर की वजह से होता है, लिवर सिरोसिस की वजह से होता है और नेफ्रोसिस की वजह से होता है। जिस CHF यानी कार्डियक फेलियर की वजह से क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर उसमें बढ़ रहा था, मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में। सिरोसिस में क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे प्रोटीन लेवल कम थे, एल्ब्यूमिन लेवल कम था, इसलिए वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम था। और नेफ्रोसिस में भी हो रहा था, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, क्योंकि प्रोटीन हमारा जो है एल्ब्यूमिन है यूरिन से लॉस हो रहा था, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारा क्या है, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा था। तो अगर ये इनमें से कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं है तो ट्रांसुडेटिव है। लाइट्स क्राइटेरिया को आपको बहुत ध्यान में रखना है, प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन लेवल अपॉन प्लूरल सीरम प्रोटीन लेवल, अगर ये इसका रेशियो 0.5 से ज्यादा है तो एक्सुडेट है। अगर LDH प्लूरल फ्लूइड LDH और सीरम LDH का रेशियो 0.6 से ज्यादा है तब भी हमारा क्या है, एक्सुडेट है। फिर एक्सुडेट के लिए हमें अलग अलग जांचें करानी आ गए, जब हम क्लियर हो गया एक्सुडेट है तो हमें जांच करानी है, ग्लूकोज लेवल साइटोलॉजी करानी है, LDH कराना है, ये DLC कराना है, TB के लिए मार्कर कराने हैं, वो भी क्लियर नहीं हुआ तो हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में सोचेंगे, अगर वो भी नहीं है तो हम TB के लिए फर्दर और टेस्ट लिखेंगे, वो भी नहीं है तो सिम्प्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए हम देखेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा है पेशेंट के अंदर, उससे भी अगर फायदा नहीं है तो हम लास्ट में प्लूरल बायोप्सी करते हैं, टिश्यू का टुकड़ा निकालते हैं फिर उसकी जांच होती है। अगर इसमें से कुछ फॉलो नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, CHF के बारे में सोचेंगे, देखेंगे उसके हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट करेंगे तो खुद बहुत प्लूरल फ्लूइड ठीक हो जाएगा, सिरोसिस है तो हम लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे ठीक हो जाएगा, नेफ्रोसिस है तो हम किडनी के लिए ट्रीटमेंट देंगे उसको और वो ठीक हो जाए। तो इससे हम क्या है, फिर हमारा डायग्नोसिस बनेगा और हमें क्या ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, और लास्ट लेक्चर जिसने भी देखा होगा उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा, ये पूरे स्टेप थे किस तरीके से हमें अपने डायग्नोसिस को बनाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हम कोई नया टॉपिक पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड देखेंगे, और आपको अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो या कुछ रह गया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में जो भी मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।